बोकारो के सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों की काफी कमी है, जिससे मरीजों को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर महीने दवाइयां शॉर्ट कर रही है। दवाइयों के साथ साथ अस्पताल में जरूरी इंजेक्शन भी मौजूद नहीं है। वहीं दवाइयों की कमी को लेकर अब तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई खरीदने का लगातार निर्देश दिया जाता रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर एबी प्रसाद से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि सभी दवाइयां उपलब्ध है, जो उपलब्ध नहीं है उसे शीघ्र ही मंगवाया जाएगा। सदर अस्पताल में जैसा कि मुझे जानकारी है, दवाइयों का वैसा कोई अभाव नहीं है। हमारे DS बहुत अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं। अगर उन्हें लगेगा या उनके चिकित्सकों को ऐसा लगता है कि दवाई की कमी है, तो जरूर हमसे अवगत कराते हैं, हम शेयर करते हैं। कुछ दवाइयाँ डेली वेज रोजमर्रा की जिंदगी में घटते बढ़ते रहती, तो वो अकॉर्डिंगली उसको पूरा किया जाता है। हमारे DS सक्षम है, इसके लिए हमारे तक भी ये बात नहीं आती और वो पूरा करते रहते। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।